हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूपी बोर्ड समाधान में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, कोरोना वायरस, जो इस समय सारे विश्व में तहलका मचाए हुए है। आज मैं इस टॉपिक पर आपको ये बताऊँगा कि कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे इन्फेक्ट करता है दूसरे व्यक्तियों को, कोरोना वायरस से आप कैसे बच सकते हैं और इससे जुड़े हुए क्या मिथक हैं और उनके पीछे क्या तथ्य हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस कई वायरसों का एक समूह है। इस वायरस को वैज्ञानिक जूनेटिक नाम से भी पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला वायरस। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ, जहाँ से ये विश्व के कई शहरों में भी फैल गया। कोरोना वायरस के ज़्यादातर केस जानवरों जैसे बिल्ली, चमगादड़ और ऊँट आदि में देखे गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले यह वायरस समुद्री जीव जंतुओं में हुआ, उसके बाद यह वायरस चीन के लोगों में भी फैला। सबसे पहले इस वायरस ने समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को अपनी पकड़ में लिया, जिसमें वुहान शहर भी समुद्र के किनारे ही स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को नया नाम कोविड-19 दिया। इस समूह की खासियत है इसके वायरस की बनावट। कोरोना नाम अंग्रेजी के क्राउन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है ताज। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये वायरस रेशेनुमा आकृतियों, जो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, से घिरे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई ताज पहना हो। इसलिए वायरस की इस फैमिली का नाम कोरोना पड़ा। यह वायरस ठंड के दिनों में अधिक सक्रिय रहता है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तब इसका असर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दी के दिनों में जो इसका एक्टिवेशन पीरियड है ह्यूमन बॉडी से बाहर, वो ज़्यादा दिनों के लिए होता है। इंसानों में अब तक गिनती के 7 कोरोना वायरस पाए गए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट है नोवल कोरोना 2019। आइए अब हम कोरोना वायरस संक्रमण के मुख्य लक्षण देख लेते हैं। इसमें संक्रमित व्यक्ति का सिर भारी रहने लगता है, उसे सिर में तेज दर्द महसूस होता है। संक्रमण होने पर व्यक्ति की नाक लगातार बहती रहती है और दवा लेने के बाद भी उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। इस संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति के गले में हमेशा खराश बनी रहती है, उसे लगातार बुखार रहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण हैं। उसके बाद में व्यक्ति को हर वक्त कमजोरी महसूस रहती है, उसे सांस लेने में धीरे धीरे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, जो आगे चल के बढ़ती चली जाती है। संक्रमण अधिक होने पर व्यक्ति में निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं और उसके फेफड़ों में भी तीव्र संक्रमण हो जाता है। अस्थमा के रोगियों को इस संक्रमण के कारण सांस लेने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। इस वायरस के लक्षण संक्रमण के 14 दिनों के भीतर ही व्यक्ति में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि यह वायरस कैसे फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर से ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर आ जाते हैं और फिर जैसे ही कोई स्वस्थ व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो ये आँख, नाक या मुंह के जरिए उसके शरीर में भी चले जाते हैं। कोरोना वायरस मल के माध्यम से भी फैल सकता है। मल के माध्यम से ये हाथ, भोजन, पानी या वस्तुओं आदि को दूषित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति इन्हीं हाथों से अपनी आंखें, नाक या मुंह को छूता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। आइए अब देखते हैं कोरोना वायरस संक्रमण की क्या वजह हो सकती है। तो उसमें सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि आप संक्रमित व्यक्ति के पास कितनी देर तक रहे, यानी यदि आप उसके पास ज़्यादा देर तक रहेंगे तो संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आप उसके कितने नज़दीक तक गए, यानी आप उसके निकटतम बैठे तो आपके ऊपर ड्रॉपलेट्स आसानी से गिर सकते हैं, और यदि आप दूरी बनाकर बैठे तो आप बच सकते हैं। क्या उस व्यक्ति के छींकने या खांसने की वजह से आपके शरीर पर भी छींटे पड़े, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। आपने अपने हाथ बिना अच्छे से साफ किए चेहरे को कितनी बार छुआ। संक्रमित होने वाले व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने को निर्धारित करता है। आइए अब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। यह माना जाता है कि इस रोग के वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैले,
इस कारण जानवरों के संपर्क से हमें दूर रहना है और पोल्ट्री मीट नहीं खाना है, क्योंकि पोल्ट्री मीट में इस वायरस के इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। भीड़ में जाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ में संक्रमित व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे हमें भी संक्रमण का खतरा बना रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को साफ करने के बाद ही हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अपने हाथों को कई बार साबुन से, गुनगुने पानी से या फिर 60 से 70% एल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर से अच्छे से साफ करना चाहिए। स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले मास्क पहनने चाहिए तथा जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनना न भूलें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। जिन्हें सर्दी, खांसी या छींक आ रही हो उनके करीब न बैठें। बाजार में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं से परहेज करें। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें और ज़रूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें। अपने आँख, नाक और मुंह को अच्छे से साफ किए बिना हाथ से नहीं छूना है। आइए अब देखते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहें और तथ्य। नंबर एक, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई दवा मौजूद नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि अब तक कोरोना वायरस के लिए किसी ऐसी सटीक दवा की खोज नहीं हो पाई है जिसके सेवन से यह बीमारी तुरंत ठीक हो सके। लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा, सिस्टमेटिक इलाज के द्वारा इस बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर दो, क्या लहसुन के सेवन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? लहसुन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है और इसमें एंटी माइक्रोबैक्टीरियल गुण होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस तथा लहसुन का आपस में कोई संबंध नहीं है, अर्थात लहसुन खाने से कोरोना वायरस से नहीं बचा जा सकता। नंबर तीन, क्या ज़्यादा उम्र के लोगों या कम उम्र के बच्चों में कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा है? कोरोना वायरस से हर उम्र के व्यक्ति को खतरा हो सकता है, परंतु बूढ़े बुजुर्ग या पहले से आस्थमा, डायबिटीज, दिल आदि बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों में इस वायरस की वजह से बीमारी उत्पन्न होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि ज़्यादा उम्र के लोगों या कम उम्र के बच्चों या पहले से बीमार व्यक्तियों के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। पॉइंट नंबर चार, सांस लेने से छोड़ने से फैलता है कोरोना वायरस। नहीं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन थूक और छींक से कोरोना वायरस इधर से उधर स्थानांतरित हो जाता है। अगर बोलते समय मुंह से थूक के ड्रॉपलेट्स भी अगर आपके ऊपर गिर जाते हैं तो आप में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ बोलते समय ही नहीं, अगर बीमार व्यक्ति का थूक वस्तुओं पर गिरता है और यदि आप उन्हीं वस्तुओं को इस्तेमाल में ले आते हैं तो आप में भी वायरस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हाथ धोते रहें और सफाई का ध्यान रखें। क्या मीट से होता है कोरोना वायरस? क्योंकि यह वायरस जानवरों से मनुष्य में फैला, इसी कारण लोगों में यह आम धारणा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सभी तरीके के मीट के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके संदर्भ में लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि मीट को हाइजेनिक रूप से पकाया हुआ होना चाहिए और यह कच्चा नहीं होना चाहिए। इससे मीट के माध्यम से फैलने वाली किसी भी बीमारी को रोकने में भी मदद मिलती है। नंबर सिक्स, क्या यह मुद्रा या नोटों के माध्यम से फैल सकता है? हाँ, यह वायरस मुद्रा या नोटों के माध्यम से फैल सकता है। चीन के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नकदी को नष्ट कर रहे हैं। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना का कहना है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा एकत्रित की गई नकदी को ग्राहकों को वापस जारी किए जाने से पहले कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। नंबर सात, क्या एंटीबायोटिक्स इस कोरोना वायरस को रोकने और इसके उपचार करने में फ़ायदेमंद है? कोरोना वायरस की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में एंटीबायोटिक्स का उपयोग प्रभावी नहीं है। WHO की माने तो एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते और वो सिर्फ बैक्टीरिया से फैलने वाले इन्फेक्शन के लिए ही काम आते हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती कराए गए व्यक्तियों का उपचार जरूरत पड़ने पर बैक्टीरिया आदि के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों के बचाव हेतु भी किया जा रहा है। नंबर आठ, क्या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का बचना मुश्किल है, अर्थात क्या उसकी मृत्यु निश्चित है? कोरोना वायरस से संक्रमित होने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप निश्चित रूप से मर जाएंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस संक्रमण के कारण मौत का खतरा तकरीबन 20% ही है। सही समय पर अस्पताल में भर्ती होने पर बीमारी के लक्षणों को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है, जिससे रोगी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना नहीं रहती है। नंबर 9, बढ़ते तापमान से हो जाएगा कोरोना वायरस का खात्मा। अभी तक इस बात के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। हालांकि बढ़ती गर्मी से कोरोना वायरस का एक दूसरे में फैलने का खतरा ज़रूर कम हो जाता है, क्योंकि सारे वायरस गर्मी को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। नंबर 10, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज को आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरंभ में COVID-19 के काफ़ी सारे लक्षण ऐसे हैं कि वे सांस की दूसरी अन्य बीमारियों की तरह लगते हैं, जैसे मौसमी सर्दी और फ्लू आदि बीमारियों में देखे गए हैं। कोरोना के मरीजों में भी ये सारे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। हाँ, कोरोना के कुछ खास लक्षणों में उल्टियाँ होना, बेहोशी आना और लगातार बहती नाक शामिल है, लेकिन ये लक्षण बहुत आखिर में आते हैं। नंबर 11, क्या शरीर पर क्लोरीन या एल्कोहल छिड़कने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है? नहीं, शरीर पर क्लोरीन या एल्कोहल छिड़कने से शरीर में मौजूद कोरोना वायरस खत्म नहीं होता है। ऐसे केमिकल्स जमीन की सतह पर मौजूद कोरोना वायरस को भले ही खत्म कर दें, लेकिन शरीर पर इनका उपयोग हानिकारक ही रहता है। नंबर 12, गाय का गोबर और गौमूत्र के सेवन से होगा कोरोना वायरस का इलाज। कोरोना वायरस के सामने आने के बाद हर कोई अपने अपने तरीके से इलाज करने का दावा कर रहा है। इसी क्रम में कुछ लोगों का दावा है कि गाय का गोबर और गौमूत्र का सेवन करने से कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इलाज संभव है। लेकिन इससे पहले कि आप इन बातों पर यकीन करें, हम आपको बता दें कि यह बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस के इलाज की दवा अब तक नहीं बन पाई है। तो इस तरीके से ये कुछ मिथक थे जिनका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आज का मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। अब आप उससे पूर्ण रूप से सावधान रहेंगे, हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।